आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे, लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आपकी स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो आप किस तरीके से पीएफ अकाउंट में अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल मार्कशीट की जगह पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ में आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की मार्कशीट के अलावा भी आप 10 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि 10 डॉक्यूमेंट से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 101% गारंटी देता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा पीएफ पोर्टल पर। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और आप में से काफी पीएफ मेंबर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, सर जी हमारा पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल मार्कशीट नहीं है, तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। या ऐसा भी मेंबर है कि हमारा फादर की पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ अपडेट गलत हो चुका है, लेकिन फादर का स्कूल मार्कशीट नहीं है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम किस तरीके से अपना फादर की अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ईपीएफ ने आपको इसके अलावा भी 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यूएन नंबर की जरिए मैं पीएफ पोर्टल पर लॉगिन कर चुका हूँ। अभी बात करते हैं कि आपकी पीएफ अकाउंट में इंप्लॉयर डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट कर दिया है, तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो आप किस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज या करेक्शन कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड्स, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए। और यहाँ पर आप देखते हैं चेंज टाइप डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे हम सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साथ में आपको पैन कार्ड, ई पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, तीसरा राशन कार्ड, चौथा में है पीडीएस फोटो कार्ड ऑफ आधार द मेंबर, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो गया। यहाँ पर ये फिफ्थ ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी सरकारी संस्था पे आप जॉब करते हो तो वहां का अगर कुछ सर्टिफिकेट है, आपकी रिकॉर्ड है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए। यहाँ पर सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर का आपके पास पेपर है, आप अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं CGHS मेडिक्लेम कार्ड इशू बाय सेंट्रल स्टेट से है, तो फिर भी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, कम से कम 10 ऑप्शन है आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। नॉर्मली पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड अवेलेबल है, राशन कार्ड अवेलेबल है, ये दो चीज तो आपको अवेलेबल है ही है अपने पास आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। पेंशन मिलता है तो पेंशन का जो स्टेटमेंट पेपर है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आप अपलोड कर सकते हैं, तो तीनों ऑप्शन पर जो है सेम ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाया हूँ कि आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ और स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके अलावा आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। और यहाँ पर ईपीएफ ने खुद बताया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया हूँ कि आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ।